अब दोस्तों इस नई वीडियो में फिर से एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं कि देख लीजिए इस घर के अंदर पहले किसी की फिटिंग की हुई के ऊपर हम इसको फिर नई से नई फिटिंग करने को जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर इन्वर्टर का बहुत जबरदस्त फॉल्ट है जहां पर इंडिकेटर यहां पर ग्लो हो रहा है और जो लाइट इन्वर्टर पर इंस्टॉल की हुई है वो फैक्चुरेट हो रही है। देख लीजिए मैं आपको इस अंदर ले चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ जैसे हम यहाँ पर रिपेयर वर्क करने जा रहे हैं इस मकान के अंदर। इसके कनेक्शंस आपको हम दिखा लेते हैं, देख लीजिए इसके कनेक्शंस देख लीजिए, कोई न्यूट्रल और जैसे फेस होता है वो प्रॉपर कोई कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, और इन्वर्टर का बांड जो है घर के अंदर इन्वर्टर जो है वो फैक्चुरेशन कर रहा है। देख लीजिए कि जैसे उन्होंने 2.5 mm की यहाँ पर वायर डाली हुई है उसके अंदर देख लीजिए कैसे ज्वाइंट लगाए हुए हैं, और इनको भी हम प्रॉपर करके दिखाएंगे अब अपनी वीडियो के अंदर कि हमने कैसे इसको कंप्लीट किया हुआ है। ये इतने जॉइंट्स किए हुए हैं जहां पर टैप ही टैप लगी है, जिसपे भी जहां भी सर्किट में अगर कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए तो सर्किट के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार ये वायर यहां पर जॉइंट पे हीट हो जाती है, हीट होने के बाद हमारा पूरा सर्किट जो है पूरा एमसीबी बॉक्स पर बिल्कुल जल जाता है, जिसे मकान को 100% खतरा रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस घर के अंदर हम आज फिर से पहले जो इलेक्ट्रिशियन ने फिटिंग की हुई थी जिसमें पूरा फैक्चुरेट हुआ था, पूरी जितनी भी वायर थी वो जल गई थी, जिसमें हाफ सर्किट डाले हुए थे, कोई प्रॉपर वायरिंग नहीं हुई थी, तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इस घर के अंदर हम दोबारा फिर से नए सर्किट डालने को जा रहे हैं जिसमें हमारे पास अर्थिंग आ रही है और न्यूट्रल फेस हमारा आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास इन्वर्टर वायर भी आ रही है। तो गाइस हम दिखाते हैं आपको अच्छे तरीके से इसकी फिटिंग पूरे मकान के अंदर, देख लीजिए क्या हालत है, और तारें जो पूरे मकान के अंदर बिखरी हुई है इनकी हालत देख लीजिए, जो कि सर्किट कोई प्रॉपर सर्किट नहीं था इसके अंदर, सिर्फ ज्वाइंट लगाए हुए थे और हीट अप हुई थी। तो फाइनल पे हम आपको आखिर में वीडियो के आखिर में आपको बता देंगे इसके बारे में हमने कैसे इसकी फिटिंग प्रॉपर की। जैसा कि हमने पहले ही आपको अपने वीडियो के अंदर ये बता दिया था कि इस घर के अंदर जो इन्वर्टर इंस्टॉल किया हुआ था इलेक्ट्रिशियंस ने उसके अंदर जो फॉल्ट था उसका जो प्रॉपर और मुकम्मल सर्किट नहीं थे। हम आपको दोस्तों बताते हैं कि हमने यहाँ पर एक एमसीबी बॉक्स लगाया हुआ जिसको हमने पहले अब अंडरग्राउंड कर दिया दीवार के साथ, अंडरग्राउंड के बाद हमने अपने प्रॉपर ये जो सर्किट है पूरी मकान के ये हमने मुकम्मल यहाँ तक पहुंचा दिए। इन सर्किट्स को हम प्रॉपर एमसीबी जो हमारे पास नॉर्मल लोड और हैवी लोड की है उनके ऊपर सर्किट मुकम्मल तरीके से कनेक्ट किए जाएंगे। अब इसको मुकम्मल करने के बाद हम आपको बाद में इसका पूरा वीडियो बनाकर फिर हम आपको बताएंगे इस एमसीबी बॉक्स के अंदर जैसे हमारे पास 0.75 mm की वायर जो आई है, ये हमारा जो एमसीबी बॉक्स है इसकी बॉडी के अंदर एक फासन लगा हुआ, इसके साथ इनको मुकम्मल कनेक्ट किया जाएगा, और साथ में जो 2.5 mm की जो वायर आई है ये हमारे पास न्यूट्रल है, ये अलग से सर्किट हो चुके हैं, उसके साथ हमारे जो 2.5 mm के सर्किट आए हैं, कुछ 1.5 mm का आए हैं, ये नॉर्मल लोड के लिए या हैवी लोड्स के लिए है। अब इनको हम आपको कनेक्ट करके बाद में बताएंगे। जो हमने अर्थिंग वायर लाई थी अंदर से पूरे मकान को कनेक्ट करके, और यहाँ पर हमने इधर लिंक के साथ इसको कंप्लीट कनेक्ट कर दिया। अब जैसा कि हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रल वायर जो आई हुई है हम इसको न्यूट्रल लिंक पर इधर कनेक्ट करेंगे। हमारी वायर जो है न्यूट्रल वाली एक मुकम्मल न्यूट्रल लिंक के ऊपर मुकम्मल हो चुकी है, इसके अंदर कनेक्ट हमने इसको कर दिया है। दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ये सर्किट जितने भी आए हैं हमारे फेस सर्किट है जो हमारे पास एमसीबी सिंगल पोल के ऊपर कनेक्ट किए जाएंगे, और साथ में हमारे पास ये 4 mm की जो वायर आई हुई है, इस घर के अंदर दो फ्लोर है, एक ग्राउंड फ्लोर है और दूसरा अपर फ्लोर है, और इसके अंदर हमारे घर इस घर के अंदर जहाँ फिटिंग करने को जा रहे हैं यहाँ पर 5 kW का एक स्टेबलाइजर भी इंस्टॉल होगा, जिसके अंदर हमारे साथ में ये 4 mm वायर कनेक्ट होगी न्यूट्रल फेस, और वही न्यूट्रल फेस हमारे नीचे फ्लोर में वापस कनेक्ट करके नीचे वाले फ्लोर में कनेक्ट किया जाएगा। उसके साथ में हम यहाँ पर आपको एक RCCB का कनेक्शन भी दिखाएंगे बाद में कि RCCB भी इसके अंदर इंस्टॉल होगी, SPN और सिंगल पोल MCBs, और जो इसके अंदर हमारे पास इन्वर्टर की एक C6 भी MCB लगाई जाएगी, वो भी हम आपको कनेक्शन प्रॉपर करके बताएंगे और दिखाएंगे। देख लीजिए हम इस MCB बॉक्स के अंदर हम किस तरीके से हम वायर सेटिंग आपको दिखाने को जा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जो इस मकान की अर्थिंग वो हमने आपको पहले बता दी, वो इस एमसीबी बॉक्स के बॉडी के साथ कनेक्ट हो गई, और साथ में हमारे पास जो न्यूट्रल्स वायर आई हुई वो न्यूट्रल के लिंक के ऊपर कनेक्ट हो गई, और हम आपको ये बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि इसके अंदर जो हमारे पास जो फेसेस आए हुए हैं जो हमारी सिंगल पोल MCBs जो कि हमारे पास 1.5 mm की वायर भी है वो नॉर्मल लोड के लिए होगी, और जो हमारे पास 2.5 mm की वो हैवी लोड के लिए होगी। जैसा कि हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारे पास 1.5 mm की वायर जो है वो हमारा कम से कम 1500 वाट को जैसे कोई भी कन्वेक्टर कोई भी एक ऐसी चीज़ हो
तो उसको नॉर्मल लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि हमारे पास एक हीटर या ग्रीजर जो कि हमारे पास 3000 वाट का होता है या 2500 वाट का होता है, उसके ऊपर हम 2.5 वायर को कनेक्ट करने को जा रहे हैं सिंगल पोल MCBs के ऊपर। और जो कि हमारे पास यहाँ पर एक काली वायर आई हुई है जिसको ये गांठ लगे हुए हैं, हम आपको बतलाएंगे कि ये हमारा C6 MCB जो लगेगा उसका मेन फेज जो होगा उसमें इस वायर को कनेक्ट किया जाएगा। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि हमने जो यहाँ पर सिंगल पोल MCB जीती भी लगाई, इसके साथ में SPN एक लगाया हुआ है, इसके अंदर हमने 6 mm वायर का एक कंप्लीट लोड के लिए लोड किया हुआ है। इसको हम डायरेक्ट जो है हम अपने SPN के ऊपर लोड वाली साइड में कनेक्ट करेंगे इस वायर को, और साथ में हमारे पास जितने भी ये लोड वायर हमारे अंदर से आई हुई है इनको सिंगल पोल MCB के ऊपर कनेक्ट किया जाएगा। इसी के अंदर हमारे पास ये वायर जो है, ये जो आउटपुट होगी हमारे इन्वर्टर की, ये C6 के अंदर यहाँ पर कनेक्ट की जाएगी। और उसके बाद जो हमारे पास मेन सर्विस लाइन आई हुई है वो लोड न्यूट्रल फेज में मुकम्मल इसको कनेक्ट किया जाएगा। जैसे कि हमने MCBs के अंदर जो हमने 6 mm वायर को कंप्लीट लोड वाली वायर को कनेक्ट कर दिया मुकम्मल तरीके के साथ, अब इसके ऊपर हमारे जो सर्किट से इनको ड्रॉप किया जाएगा सिंगल पोल MCBs के अंदर। देख लीजिए हमारे पास ये जो MCB C6 लगी हुई है, इसके अंदर हम जो वायर इन्वर्टर की आउटपुट वाले को हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं, और जो इनपुट हमारी होगी वो ऊपर वाली साइड से इसको कनेक्ट किया जाएगा। देख लीजिए किस तरीके से हम मुकम्मल टाइट करना है इसको, ताकि ये लूज ना रहे, लूज रहने से स्पार्क कर सकता है, इसलिए कनेक्शन जो भी करना है तो प्रॉपर टाइट करना है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो ये 1 mm की वायर आई हुई है, ये हमारी इन्वर्टर की न्यूट्रल है, अब इन तीनों को एक साथ ज्वाइंट किया जाएगा। टैप लगाने के बाद इनको यहाँ पर सेट किया जाएगा। अब हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से हम टैप लगाएंगे ताकि हमारी कोई वायर नंगी ना रहे, ताकि हमारी इस MCB बॉक्स के साथ कहीं टच ना हो जाए। देख लीजिए हम कैसे हमने इसको प्रॉपर MCB बॉक्स के अंदर अच्छे तरीके से हमने इसको सेटअप कर दिया। अब हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो इन्वर्टर की वायर जो है हमारी, ये हमारी MCB 6 के ऊपर कनेक्ट की जाएगी, जो कि इनपुट है हमारा इन्वर्टर का। इनको मुकम्मल तरीके से एक साथ ज्वाइंट करने के बाद प्रॉपर MCB के ऊपर इसको कनेक्ट कर देंगे। देख लीजिए, और जो हमारी इन्वर्टर वायर इनपुट आई हुई है, ये हमारी MCB के ऊपर मुकम्मल कनेक्ट हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारे पास अंदर से लोड वाले सर्किट आए हुए हैं जो 2.5 mm है, उनको C16 16 ampere MCB के ऊपर कनेक्ट किया जाएगा। और साथ में हमारे पास जो नॉर्मल लोड वायर आई हुई है उसको हम 10 ampere MCB के ऊपर कनेक्ट करेंगे। अब देख लीजिए जो हम 1x1 करके हम आपको सिंगल पोल MCB के ऊपर जो हमारी लोड वायर आई हुई है, जो कि हमारे अंदर पावर स्विचेस और पावर सॉकेट्स का एक प्रॉपर न्यूट्रल फेस आया हुआ है, और जो फेसेज हमारे वह हम यहाँ पर कनेक्ट करने को जा रहे हैं, देख लीजिए। और इसके ऊपर हमने एक वायर जो 1.5 mm की भी लगा दी है, कि हमारे पास एक नॉर्मल लोड वाला एक स्विच बोर्ड है उसके ऊपर चलाने के लिए इसके ही अंदर हम इसको कनेक्ट करने को जा रहे हैं। देख लीजिए प्रॉपर, ताकि हमारा कनेक्शन टाइट और मुकम्मल रहे, ताकि स्पार्क ना हो। स्पार्क अगर हो तो वायर को जलने का खतरा रहता है। जैसा कि हमने आपको बता दिया था, इस MCB बॉक्स के अंदर जितने भी हमारे जम्पर वायर्स आई हुई थी, जिसके अंदर न्यूट्रल फेस, इन्वर्टर न्यूट्रल फेस, जितनी भी वायर्स आई थी, कोई नॉर्मल लोड वाली थी, कोई हैवी लोड वाली थी, तो उनको हमने आपको इस वीडियो के अंदर पूरे अच्छे तरीके से बताया कि इनको कैसे कनेक्ट किया। और साथ में हमने ये भी इस वीडियो के अंदर बताया था कि इस घर के अंदर 5 kW का स्टेबलाइजर इंस्टॉल करने को जा रहे हैं, उसके लिए भी हमने प्रॉपर यहां से न्यूट्रल फेस का कनेक्शन कनेक्ट कर दिया। और साथ जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर एक MRCCB लगाने को जा रहे हैं, जो कि 63 ampere की है और 30 mA की है, तो हम इसको परफेक्ट कनेक्शन करेंगे। देख लीजिए हम इस वायर को छीरेंगे, जो कि हमारे पास लोड वायर है। लूप करने के बाद हम इसका टर्मिनल को खोलेंगे, जो कि हमारा लोड टर्मिनल है। और इसके अंदर हम इसको वायर को अच्छे तरीके से लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से स्क्रू को टाइट करेंगे।
हमारे पास अब ये यहाँ पर दो वायर जो हमारे पास न्यूट्रल है, हमें उसको न्यूट्रल टर्मिनल पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब ये जो हमारे पास वायर है, अब हम इसको यहाँ पर न्यूट्रल वाले लिंक पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। फाइनली इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर हमने आरसीसीबी को कनेक्ट कर दिया। अब हम आपको इसको इस पर इनपुट जो आउटपुट हमें देना था वो मुकम्मल हो चुका है। अब इसके बाद हम इसको लाइन देंगे। जैसे कि आप फाइनली हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद इसके अंदर हमने आरसीसीबी को भी डाल दिया और उसके बाद एसपीएन और उसके बाद सिंगल पोल एमसीबी जितनी लगी मुकम्मल कर दिया। लाइन इस वक्त चल रही है। अब इसके बाद हम आपको एक लाइव टेस्ट का दिखाते हैं। जैसे कि हमारे पास एसपीएन है, पहले हम इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हमारे पास यहां पर एक आरसीसीबी को भी ऑन करेंगे, उसके बाद सिंगल पोल एमसीबी जितनी भी है उनको हम ऊपर कर देंगे। जैसे हमारे पास लाइन आ चुकी हुई है, देख लीजिए मुकम्मल, कोई फॉल्ट नहीं, कोई फैक्चुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे यहाँ पर हमारे पास आरसीसीबी जो कि 30 मिली एम्पीयर और 60 थ्रेड एम्पीयर की है, इसके ऊपर एक टी लिखा हुआ एक बटन है, इसको टेस्ट करना है। ऐसे जी टेस्ट करते हैं तो पूरी मकान की लाइन जो है वो कट हो जाती है। महीने में कम से कम इस बटन को दो बार हमने इसको प्रेस करना है, ताकि आने वाले वक्त में कहीं हमारा आरसीसीबी कहीं जाम ना हो जाए। जाम होने का इसलिए इसमें बेहतर है हम इसको टेस्ट देते हैं। देख लीजिए गाइस, फिर से हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद फिर हम इसको लाइव बटन टेस्ट करते हैं और मुकम्मल कोई भी इसके अंदर फैक्चुलेशन नहीं, देख लीजिए। और देख लीजिए मुकम्मल फाइनली आरसीसीबी इंस्टॉल हो गई घर के अंदर। फाइनली दोस्तों हमने इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को मुकम्मल कर दिया, जैसे हमने वीडियो के अंदर जिक्र किया आरसीसीबी एसपीएन और सिंगल पोल एमसीबी सबका। फाइनली ये मुकम्मल बंद हो चुका है, इसके अंदर लाइन चल रही है, देख लीजिए बंद हो गया हमारा मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स।